साथियों, तृणमूल सरकार तो अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए आपदा सिद्ध हुई है। मानवता कहती है कि जब भी किसी पर मुसीबत आए तो मदद का हाथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तृणमूल के लोगों ने तो मुसीबत को ही कमाई का साधन बना दिया। बार बार आने वाले चक्रवातों से पश्चिम बंगाल परेशान होता है, चारों तरफ तबाही आती है, गरीब की बाड़ी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन तृणमूल के तोलाबाजों की उनकी बाड़ी और उनकी गाड़ी इसका साइज बढ़ता ही जाता है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, एखन बंगलार मानुष विश्वासघात को तार जवाब देवे। इन लोगों ने पंचायतों को लूटा, पंचायत चुनावों को लूटा। हालत यह है कि शासन प्रशासन की कमान भी टीएमसी के दफ्तरों को दे दी गई है। साथियों, विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के उन्नयन के लिए विजन और पॉलिसी जितनी जरूरी होती है, उतनी ही आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है। बीते 10 साल में पश्चिम बंगाल ने इसका बहुत बड़ा अभाव देखा है। ऐसी सरकार आपने कहां देखी जो इस बात पर गर्व करती हो कि उन्होंने शिल्प को रोका है, उद्योग को रोका है? सिंगूर के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सिंगूर का राजनीतिक उपयोग करने के बाद इन लोगों ने यहां के लोगों को अधर में ही छोड़ दिया। आज सिंगूर में न उद्योग है, न उतनी चाकरी है, और जो कृषक है वो बिचौलियों से परेशान है। साथियों, हुगली का आलू बड़ी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि दीदी की सरकार ने यहां पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए। जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी सिंडिकेट चला रहा है। आलू किसान औने पौने दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को हर संभव सहायता देती है, इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। यही स्थिति यहां जूट किसानों, जूट मिलों में काम करने वाले साथियों की है। केंद्र सरकार ने 6 सालों में जूट का एमएसपी 85% 85% से ज्यादा बढ़ाया है। गेहूं की पैकेजिंग जूट में हो, देश में प्लास्टिक की जगह जूट बैग का उपयोग हो, इसके लिए हमने कदम उठाए, जूट की डिमांड को बढ़ाया,
लेकिन यहां की सरकार जूट मिलों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही, इसलिए आज आलू किसान, जूट किसान, श्रमिक, हर कोई डबल इंजन की भाजपा सरकार के लिए वोट कर रहा है। दीदी, इसलिए वोट कर रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां कोल्ड स्टोरेज के साथ ही फूड प्रोसेसिंग में निवेश को और बढ़ाया जाएगा।